क्या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की। उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ फिर फूटा लोगों का गुस्सा। आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने दी चेतावनी, कहा वोट मांगने ना आए विधायक। पंकज गुप्ता ने आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाने का आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं हुआ। वाराणसी में उमा भारती का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जनता सपने में भी एसपी की सरकार आने से डर रही है और जल्द ही बीजेपी को वोट डालने में की तैयारी में है, कहीं अखिलेश की सरकार ना। पूरा 5 साल का अखिलेश की सरकार का कार्यकाल भय पैदा कर रहा है, लोगों को उसके सपने आ रहे हैं और लोग एकदम डर रहे हैं कि हे भगवान ये भयावना सपना फिर हकीकत में ना बदल जाए, इसलिए अब लोग सुखद सपने देख रहे हैं कि फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। इटावा में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शिव प्रसाद यादव का अखिलेश यादव पर हमला, बोले कृष्ण मेरे सपने में आए और कहा कि दंगाइयों और अराजकता को रोकना है इसलिए अखिलेश जहां से भी चुनाव लड़े उनके खिलाफ लड़ो। गुंडों, दंगों, अत्याचारियों, अन्यायियों, ट्रैक्टर चोरों, मोटरसाइकिल चोरों की फिर राज आ जाएगा, इसलिए आप उसको रोकने के लिए अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करो। यूपी में अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगा जेडीयू, नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का ऐलान। चुनाव तैयारी हम लोग का मतलब से भी चुनाव लड़ेंगे। यूपी में विधानसभा की 95 सीटें संवेदनशील और 33 सीटें अति संवेदनशील हैं, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा। होंगे सुरक्षा के विशेष इंतजाम, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भी होगी तैनाती। उत्तर प्रदेश पुलिस आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल तथा हिंसा रहित तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है। चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर प्रचार की योजना, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोरोना के चलते चुनाव प्रचार पे कई पाबंदियां हैं, लेकिन डोर टू डोर प्रचार करना अलाउड है। आज से, अभी से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दो। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू किया डिजिटल प्रचार, चुनाव से पहले याद दिलाया पंजाब मॉडल, कहा निर्देश बिल्कुल साफ है, 15 जनवरी तक डिजिटल माध्यम के जरिए ही करना है प्रचार। पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राज्यवाल का दावा, कहा किसान संगठनों का मोर्चा संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। तेलंगाना के वारंगल में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बेतुका बयान, कहा जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ वह दिन दूर नहीं जब निजाम और ओवैसी का नाम यहां से मिटा दिया जाएगा। एमपी के टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक शिशुपाल यादव के बिगड़े बोल, समीक्षा बैठक के दौरान सत्ता की हनक में अधिकारियों को हड़काया, कहा अगर मुझसे उलझे तो सुलझोगे नहीं। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन जो उलझेगा वो सुलझेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना हमारी बात से। देश में आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज, सिर्फ दोनों डोज दे चुके स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही अभी लगवा सकेंगे टीका। प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी 6 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली है दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस नागरिकों को भेजा गया है रिमाइंडर एसएमएस। कोरोना और टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज अहम बैठक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक, तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला।
बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां, आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी। ओडिशा में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते आज से 31 जनवरी तक बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, शिक्षण संस्थान भी बंद रखने का फैसला। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी पार्टियां, आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर चाचा शिवपाल सिंह यादव से करेंगे मुलाकात, सीट को लेकर होगी बातचीत। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को आज लगेगा बड़ा झटका, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल, दो विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर भी एसपी में होंगे शामिल। पंजाब में अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका आज सीएम चन्ने की मौजूदगी में थामेंगी कांग्रेस का हाथ, मोगा सीट से लड़ सकती है चुनाव। पंजाब में जल्द ही सीएम के चेहरे का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी, भगवंत मान का नाम रेस में सबसे आगे। पंजाब में पीएम के सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई, जांच कमेटी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य की जांच कमेटी पर लगाई थी रोक। ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, 20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार हैं मजीठिया। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आया कोरोना का एक और नया वेरिएंट, साइप्रस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नए स्ट्रेन की खोज की जो डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला हुआ रूप है, इसे डेल्टा क्रोन कहा जा रहा है। कोरोना के खतरे पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईसीएमआर, गृह मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी हुए शामिल, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,69,000 के पार, एक दिन में 320 से ज्यादा लोगों की मौत, अभी 5,90,000 से ज्यादा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा, हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। कोरोना के साथ ही देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, ओमिक्रॉन के कुल मरीज 3,600 के पार, इस दौरान 1,409 लोग डिस्चार्ज भी हुए, 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की चिंता, कहा हालात गंभीर हैं लेकिन घबराए नहीं, फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं, नियमों का करें पालन। दिल्ली सरकार का सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश, आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियमों का करें पालन, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट किया जाए। देश की शीर्ष अदालत ने भी कोरोना का बड़ा खतरा, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शीर्ष अदालत के 4 न्यायाधीश और 5 फीसदी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। हवाई उड़ानों पर भी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे का असर, इंडिगो ने करीब 20 फीसदी उड़ानें रद्द करने का फैसला किया, यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए 31 मार्च तक बदलाव शुल्क समाप्त करने की घोषणा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान, कहा धार्मिक जगहों और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट, तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे मेयर किशोरी पेडनेकर, लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस, सभी सरकारी दफ्तर वीकेंड पर बंद रहेंगे, बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा, सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यूपी के मुख्य सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा ओमिक्रॉन महज हल्की सर्दी खांसी जैसा है। कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुखाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी।
कानपुर में चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रखकर कृपया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने किया प्रचार। अनुज शुक्ला दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ बिना मास्क प्रचार करते दिखे। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों को दी इजाजत। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेन पर एसपीजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस को पहले से थी प्रधानमंत्री के सड़क से के रास्ते जाने की जानकारी, फिर भी नहीं किए गए पर्याप्त इंतजाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।